खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और बात करते हैं आज की कुछ अजब खबर की। एक रसगुल्ले ने रोकी शादी, नहीं उठी दुल्हन की डोली। जी हाँ, अभी तक हमने विभिन्न कारणों से विवाह टूटने के कारण सुने होंगे, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जबकि शादी में ज्यादा रसगुल्लों के कारण शादी टूट गई। 14 अप्रैल को उन्नाव जिले के कर्मापुर के शिव कुमार की शादी कामिनी से हो रही थी, लेकिन इस बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया कि एक बाराती ने एक और रसगुल्ला ले लिया। बारात के आने के बाद सभी बारातियों को भोजन करने के लिए कहा गया और बफे सिस्टम के तहत एक अलग शामियाना लगाया गया। सभी लोग भोजन व्यंजनों का मजा ले रहे थे कि एकाएक दुल्हन के एक रिश्तेदार और दूल्हा के चचेरे भाई मनोज के बीच विवाद हो गया। जो व्यक्ति मिठाई का इंतजाम करने को खड़ा था, उससे कहा गया था कि वो प्रत्येक बाराती को एक ही रसगुल्ला दे, लेकिन जब मनोज ने दो रसगुल्ले ले लिए और इस बात का लड़की पक्ष वालों ने विरोध किया, वाक युद्ध और बाद में मल्ल युद्ध होने पर खाने का स्थान मुकाबले के मैदान में बदल गया। दूल्हे और दुल्हन के पिताओं को जब तक ये माजरा समझ में आता तब तक मामला आगे बढ़ चुका था। नाराज मनोज ने अन्य बारातियों के साथ दुल्हन के पिता और संबंधियों को पीट दिया, लेकिन दुल्हन को ये बात नागवार लगी कि उसके पिता को पीटे जाने से नाराज होकर शादी की रस्में करने से मना कर दिया गया। दुल्हन की जिद के चलते शादी समारोह समाप्त कर दिया गया और दूल्हा बिना दुल्हन के ही घर के लिए रवाना हो गया।